Talwar Jodhpur founder Mahendra Karma's PSO recounts the Maoist barbaric attack on Saturday. Our correspondent Aditya Rajkol spoke with him just a while ago. Listen in. Speaking to Times Now is the PSO of the Congress leader Mahendra Karma, who was brutally killed by the Maoist day before yesterday. Shafiq Khanji, aap us waqt kahan the? Aap Times Now ko kya bata sakte hain? हम लोग सर जो कुकनार से आगे बढ़े तो पहाड़ी के जस्ट जो है हम लोग पहाड़ी के अंदर पहुंचे, जैसे अचानक मतलब गोलियां चालू हो गई। हम लोग कर्मा जी की गाड़ी के पीछे थे, हम लोग मतलब बोलेरो गाड़ी में, कर्मा जी जो है उसमें थे, अपना दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे। उस बाद अचानक गोली मतलब चारों तरफ से घेरे हुए थे, चारों तरफ से घेर के और तुरंत मतलब गोली चालू हो गई। किसी को मौका नहीं मिला, मतलब 150 नक्सली के लगभग थे उसी में। और आपने क्या देखा कि आपने देखा महेंद्र कर्मा को लोग मार रहे हैं वहाँ पर, कैसे गोलियां चलाई गई, आपको क्या याद है? ढाई घंटे के आसपास, ढाई से तीन घंटे गोलियां चली। हम लोग जो है पूरे सभी गोलियां जैसे 47 रखे हुए थे, हम लोग PSO लोगों के सभी छह आदमी थे, तो हम लोग गोली चलाए। उसके बाद जो हमारे पास जो कारतूस खत्म हो गया तो उन लोग बोले हैंड अप हो जाओ न, सभी मारे जाओगे, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसके बाद जो है मेरे भी गोली यहाँ नीचे में लगी थी, शुरू में लग गई थी मेरी गोली। हम लोग जो है नीचे नाले में गिर गए थे, नाले से जो है हमको उठा के ऊपर रोड में लाए नक्सली। उसके बाद जो है कर्म जी को बोले हैंड अप हो जाओ, तो कर्म जी ऊपर गाड़ी से निकल के ऊपर हाथ कर लिए। उसके बाद उसको लेकर पहाड़ी के ऊपर उसको जो है मार दिए। तो जो परिवर्तन रैली ये चल रही थी, इसका जो रूट था ये क्या कहीं पर बदला गया था रूट या कहीं पर चेंज हुआ था, आपको इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, और कहां पर ये रोका गया और कितनी देर ये प्रक्रिया चली, और पुलिसकर्मी जो आपको बचाने के लिए आए कब आए? जो ये अपना जो अपना रूट से गए थे उसी रूट से आए थे, अपने जो सुकमा रूट से गए हुए थे उसी रूट से हम लोग रिटर्न आए थे। और कुकनार से आगे पहाड़ी है, पहाड़ी के जो है शुरू से और लास्ट तक मतलब पूरा घेर लिया थे, और एक प्राइवेट ट्रक को जो है लोग जो है गोली मार के उनको ड्राइवर को उसको जो है वहाँ पे मार दिए थे जान से। और उसके बाद जो है हम लोग बीच में फंस गए, अचानक गोली चालू हुआ, सभी लगभग बहुत आदमी को गोली लगे से घायल हो गए सभी, और साहब को भी गोली मार लगी ऊपर ले जाकर पहाड़ी मारे थे उसको। That was Shafiq Khan here in the ICU of the Ramakrishna Hospital in Raipur, narrating to Times Now the brutal incident which happened day before yesterday, the chain of events, how it actually transpired, the bizarre way the Maoists actually killed 27 people and injured 33. In Raipur, with video journalist Yogesh, this is Aditya Rajkol for Times Now.